अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम रात के 2 बजे खाना बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आप सबको बताना जा रही हूँ कि रात के 2 बज रहे हैं और मैं नीचे बैठी हुई हूँ खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सैंडविच बना रही हूँ, वो आपको दिखाऊंगी बनने के बाद। और अतिका मेरे सामने बिरयानी खा रही है। आज हम रात के 2 बजे खाना बना रहे हैं। भाई मेरी थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ था, मैं तो खा रही हूँ, इसने सैंडविच बनाने का कहा है, तो उसके सैंडविच के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। तो आपको दिखाएँ कि कैसे बनाते हैं। आई होप कि आपको पिछले व्लॉग अच्छे लगे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे, वो जाकर जल्दी से जाएँ और सारे व्लॉग वॉच करके आएँ। चलिए, अब हमारे सैंडविच हो रहे हैं रेडी। एक चला गया है और बाकी के सैंडविच यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये हमने आलू की पीठी भी बना ली है और ये बेसन। सो अभी हमारा ये खाने का दिल कर रहा था तो हमने कहा चलो। अच्छा, तो आप सबको भूख लगती है तो आप भी रात में यही करते होंगे, हमारी तरह जुगाड़। सुबह तो फिर नाश्ता हो ही जाता है, लेकिन रात का जो मसला है ना यार, बहुत किस को रात को भूख लगती है रात को। तो किस किस को ये सैंडविच पसंद है मुझे बताना, मैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर किसी को चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पसंद। जो मेरी फेवरेट है वो तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, जो जो मेरी चीज़ें फेवरेट हैं। देखें, इसमें ब्राउन ब्राउन कलर आएगा, इतना प्यारा सा क्रिस्पी यम्मी। ओ माई गॉड, मुझे तो बहुत पसंद है। आई नो कि आपको भी पसंद होंगे सैंडविच। फाइनली एक हमारा रेडी हो गया है। वाओ, यम्मी। कट करके दिखाएंगे। सो भी देखें हम कैसे इसको डालते हैं। I love it। ये देखें। सो अतिका आपको बनाना सिखा रही है। ऐसे करना है इसको। ओके। It's too much easy. Yeah. जिसको भूख लगती रात में वो बना सकता है। बिल्कुल, जल्दी बनाने के लिए और अच्छा खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देख लें आप। आप भी बनाएं, आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह। वाह, यम्मी, सो क्रंची। ओह माय गॉड, गरम गरम। इससे ज्यादा पुदीने की चटनी ले सकते हैं या फिर आप केचप भी। आप देख सकते हैं 2 हमारे रेडी हो चुके हैं, 3 हो गए थे लेकिन एक मैंने खा लिया और चौथा हमारा रेडी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में बताना, तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। और उसके अलावा ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं। ओके, कैसा बना? बहुत अच्छा। इरम, तू भी खा। फाइनली हमारे सैंडविच तो बन चुके हैं और अब बन रही है हमारी आलू की टिक्किया और वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, सो फाइनली हमारी आलू की टिक्किया भी बन चुकी हैं, बस एक लास्ट रह गई है। और रात के 3 बज गए हैं, हमें पूरा 1 घंटा लगा है हमें, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसलिए अब आप देख सकते हैं जिसको अच्छी लगी है वो खा ले, उठाती हूँ यहाँ से। तो फाइनली गाइस, हमारी जो रेसिपी थी वो बन गई, हमने बना ली है। तो अभी हम खाएंगे, तो हम यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, लोग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। यार कुछ नहीं जाता अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो, और लाइक भी कीजिए। और नेक्स्ट बताएं किस पे हम बनाएं नेक्स्ट व्लॉग। फिलहाल तो हमारे आते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाय।